नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। फिलहाल हम कुछ हॉट सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब की बार जिस सीट का नाम हम लेने जा रहे हैं वो है रुपौली सीट, जिला है पूर्णिया। जीता कौन यहाँ पे? जीती है बीमा भारती, पार्टी थी JDU। कितने वोट मिले? 64,324 वोट, 19,330 वोटों से जीती हैं। हारा कौन है? नाम है शंकर सिंह, पार्टी है LJP। कितने वोट मिले? 44,994 वोट, दूसरे नंबर पर रहे। अगला नाम है विकास चंद्र पांडे, जो कि CPI से थे, वो तीसरे नंबर पर रहे, 14,961 वोट मिले उनको। पिछले चुनाव के नतीजे की बात करें तो 2015 में JDU की बीमा भारती को इस चुनाव में जीत मिली थी, उनको 50,945 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर BJP के प्रेम प्रकाश मंडल 41,273 वोटों के साथ रहे थे। 2010 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बीमा भारती की ही जीत हुई थी, 64,887 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर LJP के कैंडिडेट शंकर सिंह थे, उन्हें 27,171 वोट मिले थे। सीट ट्रिविया की बात करें तो पिछले दो बार से यहां पर JDU जीत रही है, बीमा भारती ही नहीं। पिछले दो बार चुनाव यहां से जीता है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल यहां के बाहुबली कहे जाते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का गांव मलडीहा इसी सीट के अंतर्गत आता है। सुशांत इसी साल 14 जून को अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद से सुशांत से जुड़े लोग और उनका गांव काफी चर्चा में रहा था, और इस बार यहां पर जीती हैं बीमा भारती। उम्मीद करते हैं कि 3 बार से विधायक हैं तो क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उनको पूरा करेंगी, सरकार में भी हैं तो और आसानी से पूरा करेंगी। आप देख रहे थे दी ललन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। ललन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, 13 तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप ललन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और ललन टॉप की इस नई पेशकश 13 तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।